नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल सोशल मीडिया में यह तेजी से वायरल किया जा रहा है कि यूनेस्को ने ऋग्वेद को 3500 से 3800 साल पुराना बताया है और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी सबूत के तौर पर शेयर किया जा रहा है। इस दावे की फैक्ट चेकिंग इस वीडियो में होगी, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत में मैनुस्क्रिप्ट का इतिहास क्या है। मैनुस्क्रिप्ट को हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। इन मैनुस्क्रिप्ट्स को कहाँ रखा जाता है, कब से रख रखाव हो रहा है, किसने इसकी शुरुआत की थी और कौन कौन सी पुरानी पांडुलिपियाँ अभी भी उपलब्ध हैं। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा और फिर कोई आपके सामने पांडुलिपि से संबंधित फेक न्यूज नहीं फैला पाएगा। मैनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है लेखों का संग्रह, जो कि हाथ से बने हुए कागज या फिर भोजपत्र या अन्य किसी भी तरह के पत्र, पेड़ों के छालों या अन्य किसी माध्यमों पर लिखे गए हों। भारत में लिखने पढ़ने की प्रथा 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे भी लिखने के सबूत मिले हैं, लेकिन अभी तक वो पढ़े नहीं जा सके हैं। जो पढ़े जा सके हैं उनका इतिहास सिर्फ 2500 साल पुराना है। पुरानी लिखावटें दो ही तरह के माध्यम में पाई गई हैं, एक शिलालेखों पर और दूसरा मैनुस्क्रिप्ट के माध्यम में। शिलालेखों का प्रमाण सबसे पुराना होता है और जितने भी पुराने लिखावट के प्रमाण पाए गए हैं वो सारे शिलालेखों पर हैं। मैनुस्क्रिप्ट का इतिहास पिछले 1000 साल के लगभग का है, हालांकि उससे पहले भी लिखे जाते थे। और इन सारे रॉक एडिक्ट्स और मैनुस्क्रिप्ट को विभिन्न संग्रहालयों और इंस्टीट्यूट्स में रखा गया है। मैनुस्क्रिप्ट कलेक्शन को प्रिजर्व करने के लिए सबसे प्रमुख इंस्टीट्यूट है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कि बोरी भी कहा जाता है। यह जानना बेहद ही रोचक है कि मैनुस्क्रिप्ट और रॉक एडिक्ट्स को संग्रह करने की प्रथा भी ब्रिटिश भारत में शुरू हुई थी। अंग्रेजों को कुछ खास शौक नहीं था कि वो किसी दूसरे धर्म संप्रदायों के लेखों को संग्रह करें, लेकिन फिर भी उनने किया। जबकि आज की डेट में हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी धार्मिक हैं वो अपने से भिन्न मतों के मूर्तियों को, उनकी दुर्लभ उपलब्धियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आजकल भारत में ही देख लीजिए, कभी रैदास की मूर्ति तोड़ी हुई जाती है, तो कभी अंबेडकर की, तो कभी लेनिन की। वहीं मुस्लिम देशों में देखिए तो वहाँ पे बुद्ध की दुर्लभ मूर्तियों को तोड़ने की खबरें आए दिन मिलते रहती है, चाहे आप पाकिस्तान में देख लीजिए या फिर अफगानिस्तान में। तो आइए मैं बोरी यानी कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही दिखा देता हूँ कि वह पांडुलिपियों के इतिहास के बारे में क्या कहता है। उसने लिखा है, 1866 में बॉम्बे सरकार ने एक पैन इंडियन पांडुलिपि संग्रह परियोजना शुरू की। प्रोफेसर जॉर्ज जॉर्जलर, प्रोफेसर एफ किलहार्न, प्रोफेसर पीटर पीटरसन, प्रोफेसर आरजी भंडारकर, प्रोफेसर एसआर भंडारकर, प्रोफेसर कथावते, प्रोफेसर घाटे जैसे विद्वानों ने इस परियोजना के 17,000 से अधिक महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का संग्रह किया। यह संग्रह पहली बार बॉम्बे के एलिफिस्टन कॉलेज में जमा किया गया था, फिर इसे बेहतर प्रिजर्वेशन के लिए पुणे के डेक्कन कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर 1917 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी की तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने 1980 में दुर्लभ मैनुस्क्रिप्ट को उन्हें ट्रांसफर कर दिया, ताकि उसका और भी बेहतर ढंग से प्रिजर्वेशन हो सके। फिर दिनों दिन उसमें मैनुस्क्रिप्ट का कलेक्शन बढ़ते गया और फिलहाल इनकी संख्या 29,510 हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1868 से लेकर 1915 के बीच विभिन्न स्कॉलर्स ने कितने कितने मैनुस्क्रिप्ट कलेक्शन किए थे। यह लिस्ट यूनेस्को में दाखिल ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर के नॉमिनेशन फॉर्म में बोरी ने प्रोवाइड किया है। इसी बोरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आगे पुराने मैनुस्क्रिप्ट की डिटेल्स भी दी गई है। 6 नंबर पर आप देखें तो इस पर पेपर पर लिखे हुए मैनुस्क्रिप्ट का नाम है चिकित्सा सारासन ग्रह। यह मैनुस्क्रिप्ट 1879-80 में कलेक्ट हुआ था और इसके लिखे जाने की डेट है 1320 AD। अगर इसे संवत में कहें
तो ये 1376 संवत होगा। याद रखिए, ये कागज पर लिखा हुआ मैनुस्क्रिप्ट मिला है। एक दूसरा भी मैनुस्क्रिप्ट मिला है पाम लीफ पर, जो उससे भी ज्यादा पुराना है, और वह मैनुस्क्रिप्ट का नाम है उपमितिभा वापरा पनमक्या, और इसे कलेक्ट किया गया था 1881 में, और इस पाम लीफ पर लिखने की डेट मिली है 1906 एडी, और संवत में यह होगा 1962 संवत। अर्थात भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट खुद इस बात की गवाही दे रही है कि उसके पास सबसे पुराना मैनुस्क्रिप्ट 906 एडी तथा 1320 एडी का है। लेकिन ये मैनुस्क्रिप्ट न तो वेद का है, न रामायण महाभारत का है, न पुराण का है। इसी में आगे इम्पोर्टेंट कलेक्शन के लिस्ट भी दी गई है, जिसमें जैन पर्शियन मैनुस्क्रिप्ट की कलेक्शन की भी बात कही है, लेकिन कहीं भी आपको बुद्धिस्ट मैनुस्क्रिप्ट कलेक्शन की बात नहीं आएगी। सोचिए, जो पर्शियन विदेश से आए थे उनके भी मैनुस्क्रिप्ट उपलब्ध है, लेकिन भारत के ही बुद्धिस्ट मैनुस्क्रिप्ट थे वो उपलब्ध नहीं है। आप समझ सकते हैं इसके पीछे क्या षड्यंत्र रहा होगा। इसके 5 नंबर पॉइंट को आप ध्यान से देखें। इसमें लिखा है, ऋग्वेदा मैनुस्क्रिप्ट कलेक्शन को यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज संग्रह के महत्वपूर्ण भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके आगे ऋग्वेदा संहिता 1875-76 में कलेक्ट की गई थी, हालांकि यहाँ पे उसके लिखने की डेट नहीं दी गई है, और ये लिखा गया है कि वह बिर्च छाल यानी कि भोज पत्र पर है, और यही मैनुस्क्रिप्ट यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। अब इसी स्टेटमेंट को लेकर पूरे सोशल मीडिया पे हाय तौबा मचाई गई है कि यूनेस्को ने ऋग्वेद को 3500 साल से 3800 साल पुराना बताया है। अब मैं दिखाता हूँ उस नोटिफिकेशन को जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है, 30 मैनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा डेटिंग फ्रॉम 1800 टू 1500 BC केप्ट इन द भंडारकर इंस्टीट्यूट इन पुणे आर द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट स्क्रिप्ट, और ब्रैकेट में लिखा है, स्क्रिप्चर्स ऑफ द हिंदू रिलीजन। इसके आगे उससे भी ज्यादा बड़ी गप लिख दी गई है, फॉर इंडियंस द वेदाज एग्जिस्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड आर द सोर्स ऑफ रिवील्ड ट्रूथ। यानी इस नोटिफिकेशन के अनुसार यह कहा जा रहा है कि भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पुणे में 30 मैनुस्क्रिप्ट उपलब्ध है ऋग्वेदा की, जिसकी डेटिंग 1800 टू 1500 BC यानी कि 3800 साल से 3500 साल पुरानी है। जबकि अभी आपने देखा जो भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पुणे है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिखा था कि सबसे पुरानी मैनुस्क्रिप्ट 906 AD की है और 1320 AD की है, फिर भी वो ऋग्वेद की नहीं है। यानी ऋग्वेद की जो मैनुस्क्रिप्ट उपलब्ध है वो उससे बाद की है, वो भी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब भंडारकर इंस्टीट्यूट खुद ही बता रहा है कि उसके पास जो उपलब्ध मैनुस्क्रिप्ट्स हैं वो कोई भी 3800 साल पुराने उपलब्ध नहीं है, फिर भी यूनेस्को ने अपने नोटिफिकेशन में ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर जानने के लिए जो यूनेस्को ने अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशन दी है उसकी वेबसाइट खोलकर देखनी होगी। वास्तव में 2007 में भारत सरकार ने नॉमिनेशन फॉर्म भेजा था यूनेस्को को, जिस पर पूरी डिटेल्स दी गई थी, और उसी डिटेल्स के अनुसार यूनेस्को ने नोटिफिकेशन भी जारी की और ऋग्वेदा को सबसे पुराना स्क्रिप्चर भी माना। ये यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं। इस पेज पर आपको कहीं भी ऋग्वेदा के मैनुस्क्रिप्ट की डेट लिखी हुई नहीं मिलेगी। इसके राइट साइड में नॉमिनेशन फॉर्म है, इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब इस नॉमिनेशन फॉर्म में पूरी डिटेल्स दी हुई है, इसके पेज नंबर 7 पर आएं। यहाँ पे 30 मैनुस्क्रिप्ट का जिक्र है और यहाँ साफ साफ लिखा है कि ऋग्वेदा के 30 मैनुस्क्रिप्ट भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे काश्मीर, गुजरात, राजपूताना, सेंट्रल प्रोविनेंस इत्यादि जगहों से कलेक्ट किए गए हैं। ये शारदा देवनागरी लिपि में भोज पत्र तथा कागज पर लिखी गई है। आगे लिखा है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुने। The oldest of this manuscript is dated 1464 AD. यानी कि इस 30 मैनुस्क्रिप्ट्स में से सबसे पुराना मैनुस्क्रिप्ट 1464 AD का है। यानी आज सन 2020 से यह मात्र 556 साल पुराना मैनुस्क्रिप्ट है। अब ये मैं नहीं कह रहा, भंडारकर इंस्टीट्यूट ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में खुद लिखा है। यानी कि जो यूनेस्को के नोटिफिकेशन में यह बात लिखी थी कि 30 मैनुस्क्रिप्ट 3800 पुराने हैं, 3500 पुराने हैं, वह बात पूरी तरह से गलत थी। लेकिन यूनेस्को ऐसी गलती क्यों करे?
करेगा। तो यहाँ पे कहानी पूरी खत्म नहीं होती है। इसी नॉमिनेशन फॉर्म में आप आगे के क्लॉज देखें, 4.2 सेक्शन देखें, वहाँ पे इस नॉमिनेशन फॉर्म में ओरिएंटल स्टूडेंट ने एक भ्रामक स्टेटमेंट भी दिया है। उसमें लिखा है ऋग्वेद की 5 मेनुस्क्रिप्ट जो की प्रिजर्व की गई है वह निश्चित रूप से ईसा से 2000 साल पहले के बाद की नहीं है। अब देखिए इसमें जो लिस्ट दी गई है मेनुस्क्रिप्ट की उसमें से सबसे पुराना मात्र 1464 एडी की है, लेकिन एक भ्रामक स्टेटमेंट कि उसमें लिखी हुई बात 4000 साल पुरानी हो सकती है। इसी भ्रम के कारण यूनेस्को ने वह नोटिफिकेशन जारी की थी और जिसके कारण पूरी गलतफहमी फैली हुई है। इसी नॉमिनेशन पीडीएफ में कई जगहों पर यह दिखाया गया है कि सबसे पुरानी मेनुस्क्रिप्ट 1464 एडी की है। आप सेक्शन 3 में जाएं, इसके 1 से लेकर 6 पॉइंट को देखिए। इसके पॉइंट 5 पर भी साफ साफ लिखा है ओल्डेस्ट डेटेड मेनुस्क्रिप्ट नंबर 5 ऑब्लिक में दिया है 1882-83, यानी कि ये 1882 से 1883 के बीच में कलेक्ट की गई थी और इसकी डेट भी दी गई है 1464 एडी। साथ ही इसकी लिपि भी बताई गई है इसी के 4th पॉइंट में कि यह शारदा लिपि और देवनागरी लिपि में लिखी है। और हम सभी जानते हैं कि शारदा और देवनागरी लिपि पिछले 1000 साल के लगभग के अंदर की लिपि है, तो ये 3800 साल पुरानी हो ये बात ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो कुल मिला के चाहे बोरी की ऑफिशियल वेबसाइट हो या फिर नॉमिनेशन फॉर्म, कहीं भी कोई एक सिंगल सबूत नहीं है कि उस 30 मेनुस्क्रिप्ट्स में से कोई भी मेनुस्क्रिप्ट 1464 एडी से ओल्ड हो। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन या जो भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि जो 30 मेनुस्क्रिप्ट 4000 साल पुराने हैं वह पूरी तरह से फर्जी है, महागप है, महाझूठ है और एक षड्यंत्र है। यही ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है जिसके तहत सबूत तो 550 साल के लगभग का दिखाया जाता है और पुराना बताया जाता है 4000 साल। सोचिए ये इंटरनेशनल आंकड़ों पर इस तरह की भ्रामक जानकारी प्रचार कर किस तरह से इतिहास की वास्तविकता का माखौल उड़ाया जा रहा है। अगर आपको भी लगता है यह भ्रामक जानकारी है तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप इसी यूनेस्को की पेज के नीचे के सेक्शन पर जाइए, इसमें नीचे लिखा है रिपोर्ट फ्रॉड एब्यूज मिसकंडक्ट, उस सेक्शन को क्लिक करें। ओपन होने के बाद उसमें 2 मेल आईडी आएगी, वहां पे आप इस कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं कि कैसे मिसलीडिंग डेटा दिए जा रहे हैं। आप वेबसाइट की लिंक और जो स्टेटमेंट है उसे शेयर कर सकते हैं वहां पे और लिख सकते हैं कि इसमें क्या भ्रामक डेटा है और फिर उसको सबमिट कर दीजिए। साथ ही नीचे और भी सेक्शन है, यहां से भी आप लिखकर अपनी बातों को सबमिट कर सकते हैं। याद रखें इस तरह की छोटी छोटी पहल से विश्व पटल पर ब्राह्मणवादी षड्यंत्र से हम भारतीयों को बचाने में मदद मिल सकती है। तो कंक्लूजन के रूप में हम देखते हैं कि ऋग्वेदा की 30 मेनुस्क्रिप्ट जो बताई जा रही है वो सारी की सारी 556 ईयर्स के अंदर की है, न कि 4000 साल पुरानी, और वो नोटिफिकेशन पूरी तरह से फर्जी है, गप है, महाझूठ है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भारतीयों को जागरूक किया जा सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।